नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉनस्टॉप खबरों में। मैं हूँ श्वेता। हर साल कई फिल्में रिलीज होती है, इनमें कुछ बहुत ही बेहतरीन होती है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे साल 2019 की 10 बेहतरीन फिल्मों के बारे में। पहली फिल्म है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। विक्की कौशल की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। फिल्म का एक्स फैक्टर है देशभक्ति। इसे डायरेक्ट किया है आदित्य धार ने। इस फिल्म के स्टार कास्ट हैं विक्की कौशल, परेश रावल, मोहित रैना, यामी गौतम, कीर्ति कुल्हाड़ी। आपको बता दें, सितंबर 2016 को भारत ने LOC के पार जाकर पाकिस्तान द्वारा किए गए अटैक का बदला लिया था। यह फिल्म इसी घटना पर आधारित है, जिसमें एक्शन के साथ साथ थ्रिलर भी है। इसमें सभी किरदारों ने शानदार परफॉर्मेंस दिया है। इस मूवी में विक्की कौशल ने पहली बार एक फौजी का किरदार निभाया। दूसरे नंबर पर है मिशन मंगल। इस फिल्म की कहानी इसरो के मार्स प्रोजेक्ट के पर आधारित है। जब सितंबर 2014 को इसरो के कई महिला साइंटिस्टों ने मंगल ग्रह की कक्षा में सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसके बाद भारत विश्व में पहला ऐसा देश बना जो काफ़ी कम बजट में अपने पहले ही प्रयास में इस मिशन में सफल रहा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जगन शक्ति ने और इस मूवी के स्टार कास्ट हैं सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, कीर्ति कुल्हाड़ी, विद्या बालान। इन लोगों ने बखूबी सभी किरदारों को निभाया है। तीसरे नंबर पर है केसरी। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी 1897 में सारागढ़ी में लड़े गए एक ऐसे युद्ध की कहानी है जहां मात्र 21 सिख सैनिकों ने 10,000 अफगानों को मुकाबला किया था। मुकाबला ही नहीं बल्कि उनके छक्के छुड़ा दिए थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनुराग सिंह ने और इसके स्टार कास्ट हैं अक्षय कुमार, परिणीति चोपड़ा। एक लंबे अरसे से अक्षय कुमार देशभक्ति के मुद्दों पर फिल्म कर रहे हैं। चौथे नंबर पर है मणिकर्णिका। इस फिल्म को खुद कंगना रनौत ने डायरेक्ट किया है। इसके स्टार कास्ट हैं कंगना रनौत, अतुल कुलकर्णी, अंकिता लोखंडे। सभी ने इस फिल्म में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। आपको बता दें कि कहानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। इसमें कंगना झांसी की रानी के किरदार में नजर आती हैं। पाँचवें नंबर पर है सेक्शन 375। इसे डायरेक्ट किया है अजय बहल ने। इस फिल्म के स्टार कास्ट हैं अक्षय खन्ना, ऋचा चड्ढा, मीरा चोपड़ा, राहुल भट्ट। एक वकील के तौर पर अक्षय खन्ना और ऋचा चड्ढा ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। फिल्म एक अच्छे मैसेज के साथ साथ कई सवाल भी खड़े करती है। ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून की कठिनाई और इसकी प्रासंगिकता को बड़े अच्छे से दर्शाती है। इसके साथ साथ उन महिलाओं का भी जिक्र करती है जो अपने स्वार्थ के लिए कानून की इस धारा को गलत इस्तेमाल करती हैं। छठे नंबर पर है कबीर सिंह। ये एक तमिल फिल्म अर्जुन रेड्डी के हिंदी रीमेक है। यह एक सामान्य सी प्रेम कहानी है जिसमें कबीर का किरदार कहानी को अलग बनाता है। कबीर बेहद ही गुस्सैल और चंद सेकंड में अपना आपा खो देने वाला एक सर्जन डॉक्टर है। इसको डायरेक्ट किया है संदीप रेड्डी वंगा ने। इसके स्टार कास्ट हैं शाहिद कपूर, कियारा अडवाणी, सोहन मजुमदार, अर्जुन बाजवा। इस मूवी में शाहिद कपूर और कियारा की केमिस्ट्री काफ़ी पसंद की गई है। इसके गाने लोगों को काफ़ी पसंद आए हैं। सातवें नंबर पर है छिछोरे। ये फिल्म कॉलेज लाइफ पर आधारित है। इस फिल्म को देखने के बाद जो कॉलेज लाइफ से निकल चुके हैं उन्हें अपने पुराने दिन याद आएंगे। जो अभी कॉलेज में है वो अपने वर्तमान को स्क्रीन पर देखकर खुश होंगे। इसी कॉलेज और हॉस्टल को फिल्म के डायरेक्टर नीतीश तिवारी ने छिछोरे के जरिए पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। इस फिल्म के स्टार कास्ट हैं सुशांत सिंह राजपूत, श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा, प्रतीक बब्बर, ताहिर राज भजीन। आठवें नंबर पर है आर्टिकल 15। भारत में लोग भले ही आधुनिक होकर इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन सोच अभी भी दकियान उसी ही है। ज़्यादातर लोग आज भी किसी अनजान व्यक्ति का नाम इसलिए पूछते हैं ताकि उसके जाति धर्म का पता चल सके। उसके जाति या धर्म के आधार पर ही वे अपने उसके बारे में राय बना लेते हैं। इन्हीं प्रश्नों पर आधारित है डायरेक्टर अनुभव सिन्हा के आर्टिकल 15। इस फिल्म में दो दलित लड़कियों की कहानी को दिखाया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार सभी को समान माना जाना चाहिए, लेकिन संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी परिस्थितियों में ज़्यादा अंतर नहीं आया है। निर्देशक अनुभव सिन्हा ने लेखन और निर्देशन का काम शानदार तरीके से किया है और बधाई हो या अंधाधुंध वाले किरदारों से बिल्कुल अलग किरदार आयुष्मान खुराना ने इस फिल्म में निभाया है। नौवें नंबर पर है गली बॉय। लीक से हटकर फिल्में बनाने के लिए मशहूर डायरेक्टर जोया अख्तर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। इस फिल्म के स्टार कास्ट है रणबीर सिंह, आलिया भट्ट। स्ट्रीट रैपर की संघर्ष की कहानी को इस फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है। फिल्म के जरिए रणबीर सिंह ने अपना सपना जिया है। बतौर रैपर उन्होंने एक और टैलेंट दुनिया के सामने रखा है। एक्टिंग जोन में तो रणबीर का टाइम पहले ही आया हुआ है, लेकिन इस फिल्म के बाद रैप की दुनिया में उनका टाइम फिर से आ गया है। दसवें नंबर पर है वार।
वार मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। इस फिल्म के स्टार कास्ट हैं ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, बाणी कपूर। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में अच्छे एक्शन और शानदार डांस के लिए जाने जाते हैं। इसमें ऋतिक ने खालिद नाम के एक खुफिया एजेंट का किरदार निभाया है। अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर के फैन हैं तो आपको ये फिल्म पसंद आएगी। यह एक एक्शन बेस्ड मूवी है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की है। ये फिल्म ऐसे लोगों को निराश करती है जिन्हें एक्शन के साथ साथ कहानी पसंद है। अगर आपने इन 10 मूवी में से कोई भी मूवी देखा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।